रेल प्रशासन ने खंडवा बीड मेमो ट्रेन के बाद अब एक और पैसेंजर ट्रेन को खंडवा से बीड के बीच हरी झंडी दिखा दी है। यह इस रूट की दूसरी पैसेंजर ट्रेन होगी। 25 फरवरी को खंडवा से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, नारायण सिंह पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस ट्रेन को बीड स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर बीड के क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। इसमें 4 सामान्य क्लास के और एक SLRD क्लास का बोगी लगा हुआ है। इस तरह इस ट्रेन में कुल 5 डिब्बे ही होंगे। यह अब तक की सबसे छोटी पैसेंजर ट्रेन कही जा सकती है। चलिए अब इसका टाइम टेबल आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन नंबर 05692 बीर खंडवा स्पेशल पैसेंजर सप्ताह के 6 दिन यानी रविवार को छोड़कर बीड स्टेशन से शाम 4:50 पर रवाना होगी, जो 5:03 पर खैगांव आएगी। यहां से रवाना होकर 5:20 पर तलवाड़िया आएगी। इसके बाद यह पैसेंजर 5:32 पर मथैला पहुंचेगी और शाम 5:50 पर अपने आखिरी और पांचवे स्टेशन खंडवा जंक्शन पहुंचेगी। खंडवा से वापसी में 05691 खंडवा बीड स्पेशल पैसेंजर रविवार को छोड़कर 6 दिन खंडवा से इसी रैक के साथ शाम 6:30 बीड के लिए प्रस्थान करेगी और इन्हीं 3 स्टेशनों पर रुकते हुए शाम 7:30 बीड स्टेशन पहुंचेगी। बीड खंडवा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन खंडवा से बीड के बीच की कुल 33 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करेगी। इस ट्रेन के चलने से शहर के यात्रियों में खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि उनके लिए खंडवा जैसे बड़े जिले के लिए सीधी ट्रेन मिल गई है, जिससे रोजगार के साधन बढ़ने के साथ ही डेली सफ़र करने वाले लोगों को भी आसानी होगी। इस ट्रेन में आपको किसी तरह के रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यह एक अनारक्षित ट्रेन है। रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि इस ट्रेन में आपको कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और रेलवे से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।